गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही मेकओवर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक और ऐसा फेशियल लाई हूँ जो बिल्कुल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि समर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है समर्स के लिए, जो ऑल स्किन टाइप फेशियल है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानना है। तो मेरे पास है बायोटिक प्रोफेशनल का इंस्टा ब्राइटनिंग फेशियल, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस फेशियल की खासियत क्या है, ये 5-स्टेप फेशियल है जो मोनो डोज फेशियल है। ये कंप्लीट किट एक फेशियल पे जाएगा, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और इसका जो रिजल्ट है वो मैंने अपने ही फेस पे देखा था, क्योंकि एवरी 15-20 डेज में आप देखते हैं कि मेरे जो फेस होता है उसमें पिगमेंटेशन और टैनिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं इस टाइप के ही प्रोडक्ट लेती हूँ, चाहे इनका क्लीनअप ही लूँ, लेकिन प्रोडक्ट जो इस टाइप के ही यूज़ करती हूँ। तो ये है इंस्टा ब्राइट फेशियल, जिस डिपिगमेंटेशन, वाइटनिंग एंड टैन रिमूवल, जैसा आप देख रहे हैं। और ये आयुर्वेदिक का इस पे टैग लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, आयुर्वेदिक रेसिपी है ये। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, देखिए इसमें क्या क्या है। विथ पिंक लैंटिस, मलबरी एंड पपाया है इसमें। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, एक बार अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर अपने सलून पे रखेंगे। तो सबसे पहले मेरा फेस देख लीजिए, बिफोर फेशियल आप देखिए, आपको टैनिंग दिख रही है फेस पे, बहुत अच्छे से, कोई फिल्टर अप्लाइड नहीं है। कितनी ज़्यादा टैनिंग हो रखी है मेरे फेस पे, मेरे इन एरियाज़ में टैनिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसके लिए मैं ये फेशियल लेती हूँ। देखिए सबसे पहले इस फेशियल का जो 5-स्टेप फेशियल है, इसमें है क्लिंजिंग। क्लिंजिंग में सबसे पहले आपको क्लिंजर यूज़ करना है, 3-4 मिनट बहुत अच्छे से क्लिंजिंग करनी है फेस की, जैसा आप देख रहे हैं। मेरे स्टाफ मेरा ये फेशियल कर रहा है और देखिए क्लिंजिंग आपको करनी है। और देखिए इसमें फोमिंग इफेक्ट धीरे धीरे आ जाएगा, जैसे जैसे क्लिंजर को आप यूज़ करते रहेंगे इसमें फोमिंग इफेक्ट आ जाता है और डर्ट बहुत अच्छे से निकल जाता है। मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को बनाते टाइम में मैंने कोई फिल्टर नहीं यूज़ किया है, तो आपको एग्जैक्ट दिख रहा है कि किस टाइप से हम ये फेशियल का रिजल्ट आएगा। तो क्लिंजिंग में आपको ध्यान देना है। और सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो फेशियल है वो ऑल स्किन टाइप है। तो आपके कमेंट्स आते हैं कि मैम किस टाइप के फेशियल पे लेना है, तो यही मेन पॉइंट है, आपको हर स्किन पे ये जा सकती है फेशियल। प्रॉब्लम क्या है, आपको ब्राइटनिंग चाहिए, पिगमेंटेशन डाउन करना है और टैन रिमूवल, इस टाइप के अगर कंसर्न है आपके स्किन पे तो आपको ये फेशियल ट्राई करना है। बहुत ज़्यादा डीपिगमेंटेशन है तो हर मंथ लेते जाइए, 3-4 मंथ में आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। तो बहुत अच्छे से क्लिंजिंग करने के बाद आपको क्लिंजर रिमूव करना है और उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। ज़्यादातर फेशियल के जो स्टेप्स होते हैं वो सेम होते हैं, बट प्रोडक्ट को असली में किस तरह से है, आप अगर बाय करते हैं तो क्या इस टाइप के इसमें कोई कॉपी तो नहीं मिला आपको, तो उसके लिए मैं पूरा वीडियो बनाती हूँ और पूरा दिखाती हूँ आपके लिए कि यस एग्जैक्ट प्रोडक्ट आपके पास है। प्रोडक्ट ऑनलाइन मेरे को तो नहीं मिला है, लेकिन अगर मिलता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। तो सेकेंड स्टेप, जैसा आप देख रहे हैं इसका स्क्रब, स्क्रब जो है वो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, क्रीम है इसमें, आप दिख रहा है। जैसे स्क्रबिंग जब आप लेंगे तो उस टाइम पे भी आपको लगेगा कि इसमें जो टैनिंग है वो डाउन होगा आपका, सामने आप देखिए, जैसे जैसे आप स्क्रब करेंगे तो टैन जो है वो डाउन होता जाता है। एंड लास्ट में आप देखेंगे जब आप पैक हटाएंगे तो भी काफ़ी अच्छा टैनिंग हट जाता है इस फेशियल के से। तो जो लोग कहते हैं कि मैम पपाया फेशियल बताइए, तो उनके लिए ये पपाया फेशियल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो पपाया भी है। तो उस टाइप के फेशियल के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये फेशियल भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सलून की बात करें, मैम बोलें कि आप मैम MRP बता दो, तो ये 250-300 इन बिटवीन था प्राइस, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, स्टॉक एक साथ आता है, 250-300 आपको पर फेशियल ये कॉस्ट जाएगा। तो देखिए अच्छे से स्क्रबिंग करने के बाद, आप चाहें इस स्टेप में अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली दिख रही है तो आप स्टीम भी ले सकते हैं, समर्स हैं तो मैं स्टीमिंग अवॉइड करती हूँ,
ले सकते हैं आप स्टीमिंग के लिए, अच्छे डीप क्लिंजिंग, डीप अगर आप पेनिट्रेशन चाहते हैं प्रोडक्ट का तो इस तरीके से आपको स्क्रबिंग करनी है और प्रोडक्ट को यूज़ करना है। एक एक स्टेप जो है आपको मैं कंप्लीट बताती हूँ। किट के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, किट की कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं डाल दूँगी। अदर्स फेशियल्स भी मैंने बहुत सारे डाले हुए हैं, उनको भी आपको देखना है कि किस टाइप से हम कौन सा फेशियल लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपको बाय करना होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकती हैं। तो स्क्रबिंग के बाद स्क्रब आपको बहुत अच्छे से हटाना है। अब इसका जो थर्ड स्टेप देखेंगे, यहाँ पे टोनर होता है, टोनर होगा उसको अप्लाई करना है। आप देखिए डेविएशन आपको स्किन में दिख रहा होगा क्या फ़र्क आया है स्क्रबिंग के बाद। और टोनर बहुत अच्छे से डैब डैब करके लगाना है आपको, कॉटन से भी लगा सकते हैं। तो टोनिंग जब तक टोनर ड्राई हो जाए बढ़िया से, उसके बाद अब आपको करना है क्रीम की मसाज। तो इसके में जो क्रीम होता है वो थोड़ा सा बहुत थिक था जब मैंने करवाया था, बट ये मेरी एक खासियत है मैं बीच में वाटर नहीं यूज़ कराती हूँ, इवन रोज़ वाटर भी नहीं यूज़ कराती हूँ, क्योंकि मैं मसाज थोड़े कम ड्यूरेशन के लिए लेती हूँ, बहुत टाइम के लिए मैं मसाज नहीं लेती हूँ। तो इस क्रीम को जैसे जैसे आप मर्ज करते जाएंगे, पहले तो हैंड्स जो है बहुत हार्ड चलेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे ये क्रीम मर्ज होता जाएगा, स्किन में पेनिट्रेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ऑयली हो जाएगा। तो मसाज आपको अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपको जितना लेना है 40 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ड्यूरेशन तभी बढ़ता है जब आप उसमें डाइलुएंट मिक्स करते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से पेनिट्रेट हो गया। मैं कोई भी अदर इंग्रेडिएंट इसमें नहीं डालती हूँ, मैं धीरे धीरे इसे मसाज लेती हूँ और देखिए इस तरीके से ये पेनिट्रेशन हो गया है, रिजल्ट आपके सामने है। और इसके बाद आपको लेना है पैक, और पैक के बाद जो ब्राइटनिंग होगी वो आपको खुद फील करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो बहुत अच्छा फेशियल है, इसके 2 से 3 रेंजेस हैं, आप ले सकते हैं और बेहिचक यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट पे अच्छे रिजल्ट के लिए, क्लाइंट बनाने के लिए। तो ज़रूर ट्राई करें इस फेशियल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे और हेयर के वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं न्यू वीडियोस में, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ों को जानेंगे, और हेयर के तो जान ही रहे हैं, और नेल्स के जो ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं उनको आपको ज़रूर देखना है और ऐसे ही ट्यून रहना है। तो मिलते हैं न्यू वीडियोस में, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।